हेलो, दिस इज राहुल बैनर्जी फ्रॉम गिफ्ट ऑफ लाइट। ये हमारा पहला यूट्यूब वीडियो है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एकदम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सब व्यूअर्स, ऑडियंस और मेरा फ्रेंड्स जो भी देख रहा है सबको अच्छे से समझ में आए। तो गिफ्ट ऑफ लाइट मेरा एवियरी है जो मैंने एस्टेब्लिश किया था अराउंड 2017 या 2016 के लास्ट में। तो अभी एक्सपीरियंस वाइज मेरा 5 ईयर्स हुआ है। तो 5 ईयर्स इज नॉट अ बैड नंबर, बट इस हॉबी में इतना वास्ट फील्ड है कि कुछ भी नहीं है, मतलब इतना साल लग जाता है बहुत कुछ जानने में। तो अभी तो इंटरनेट भी है तो बहुत कुछ हम फास्ट सीख सकते हैं, मगर बहुत सारा एक्सपीरियंस्ड हॉबीस्ट है जो 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, इन सब सालों से बहुत मेहनत से कोशिश करते करते आ रहे हैं। तो मैं तो उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मगर मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो थियोरिटिकल नॉलेज है, मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, तो मेरा जो भी नॉलेज है प्रैक्टिकली भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा एक एक चीज़। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सब लोगों को समझ में आए। और मोस्टली द वीडियोज़ विल बी मेड फॉर बिगिनर्स, एकदम बिगिनर्स। तो एडवांस में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं भी एडवांस नहीं हूँ, मगर मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कुछ छू कर जाए। तो मैं कोशिश करूंगा ईच एंड एवरी स्टेप्स इज प्रॉपरली शोन इन द वीडियो। तो आप लोग जरूर फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड पूरा देखिएगा। और अभी हम स्टार्ट करेंगे लव बर्ड से, क्योंकि मेरा जो मेन एक्सपीरियंस है वो लव बर्ड्स में है। लव बर्ड्स या एगापॉडनी स्पीसीज, आप जो भी बोल सकते हो। तो धीरे धीरे एक एक करके हम दिखाएंगे कि फ्रॉम एब्सोल्युटली स्मॉल पैरट्स, तो मेरा जो है वो आप सब लोग जानते हैं कि आई ओनली ब्रीड इन पैरट्स, ओके, वट एवर दैट इज ईदर पैरट्स और पैराकी। तो हम जो भी करेंगे सब कुछ इनसाइड द जेनस ऑफ सिटेसिडे या पैरट स्पीसीज, जो कर्व बीक्स होता है उनके ऊपर। ऐसा कि नहीं मैं फिंच को टच नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक डिफरेंट पार्ट है, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर है। और पूरा जो सिस्टम है, खाना दाना, पूरा जो डाइमेंशंस ऑफ केजेस, द रूम्स, एवरीथिंग इज डिफरेंट, सो आई शुडन्ट बी कंपेयरिंग दोज थिंग। मगर जो पैरट्स में जो डिफरेंसेस आता है वो बहुत डिफरेंट नहीं होता है, मोर और लेस फूड कुछ ना कुछ सिमिलर हो जाता है और रखने में बहुत ही आसान है। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक चीज जो पैरट्स में है, ऑब्वियसली जो हमारे पास है, जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो हम शेयर नहीं करेंगे। और हाँ, हमारा एक और सीरीज होगा जहाँ हम विजिट करेंगे मेनी एक्सपीरियंस्ड ब्रीडर्स इन कोलकाता, और इफ़ वी गेट चांस ऑब्वियसली वी विल गो आउटसाइड वेस्ट बंगाल एंड कवर देम ऑल्सो। जैसे कि गुजरात में मेरा बहुत अच्छा अच्छा फ्रेंड्स है और मुंबई में भी है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि वैसा भी कुछ किया जा सकता है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मगर अभी के लिए जो हमारे पास है, फ्रॉम हैगर ऑमोस टू ग्रे पैरट, और इन फ्यूचर आई होप दैट वी विल ब्रिंग एक्लेक्टस पैरट एंड मैकॉज टू। सो लेट्स सी वो होता है कि नहीं, अभी कुछ नहीं बोलूँगा उसके बारे में। तो केजेस वगैरह जो डिमेंशंस है, ईच एंड एवरीथिंग, सॉफ्ट फूड, मेडिकेशन, ब्रीडिंग बॉक्स का साइज क्या होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द फेज ऑफ ब्रीडिंग, तो एक एक चीज़ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। और मैं 3 लैंग्वेज पंच करके कोशिश करूँगा कि क्या बोला जा सकता है, मगर मेजरली माय लैंग्वेज विल बी इन हिंदी, सिंस आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स लिविंग आउटसाइड कोलकाता जो मेरे को बोल रहा है कि एक अच्छा सा वीडियो बनाइए, तो आई विल ट्राई फॉर देम ऑल्सो, ठीक है। और पूरा इंडिया मेरा वीडियो देख पाएगा, ऐसा कि नहीं मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, मगर जो भी नॉलेज है आई विल शेयर, एंड विथ मी आत्री रहेगी, तो वो भी मेरे साथ रहेगी, वो ईच एंड एवरी वीडियो शूट करेगी, इवन शी विल बी समटाइम्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा टू शेयर द नॉलेज ऑफ बिगर पैरट्स। अभी के लिए जो मेन हमारा टॉपिक है, हमारा फर्स्ट वीडियो जो मैं कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे से बने और आप सब लोग देखें, तो वो जो सीरीज है, वो सीरीज का नाम है बेसिक्स ऑफ ब्रीडिंग। सो जो बेसिक्स ऑफ ब्रीडिंग में फर्स्ट वीडियो आएगा वो है इंस्टॉलेशन ऑफ बॉक्सेस। तो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं बॉक्सेस, कैसे हम हैंग कर रहे हैं विथ द केजेस, कैसे हम अंदर जो मेडिकेशन कर रहे हैं, जो नेस्टिंग मटेरियल क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आई हैव ट्राइड टू
मेक अ कॉम्पैक्ट वीडियो ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. वीडियो बहुत लंबा नहीं है, एकदम ही शॉर्ट वीडियो है, एंड इट द होल वीडियो विल बी विद इन 10 मिनट्स. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एडिट इट लाइक दैट. तो आप जरूर देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर, ओनली इफ यू लाइक इट, तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओनली इफ यू लाइक इट, इफ नॉट नो नेसेसरी. और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सभी सक्सेसफुल ब्रीडर्स है बहुत बहुत डिफरेंट अप्रोच से करता है. ऐसा एकदम ही नहीं है कि इस वीडियो को ही आपको फॉलो करना है, एकदम ही नहीं. मगर आपको अगर कोई भी चीज़ अच्छा लगे जो आप नहीं कर रहे हो इस वीडियो में, मैं जो दिखा रहा हूँ, वो आपके ब्रीडिंग स्टाइल में आप इनपुट कर सकते हैं ये मेथड. तो मोस्ट प्रोबेबली जो मैं मेथड आप लोगों को शेयर करूँगा वो मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया हुआ हूँ, और कुछ कुछ चीज़ें जो मैं पढ़ा हुआ हूँ फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम डिफरेंट आर्टिकल्स आई रीड, एंड फ्रॉम डिफरेंट एग्रीकल्चरिस दैट आई हैव spoken to all around the globe. I try to contact and learn from people all around the globe, whether he lives in Australia, America or Europe or any part of the world. I have contacts all around the globe. I try to learn from each and every one of them. I've spoken to them personally through Facebook, through emails, to different veterinarians all around the globe. Many has been extremely helpful to me. I have learned a lot from them. तो आई विल स्लोली शेयर ईच एंड एवरी थिंग. एंड ऑल्सो आई हैव फ्रेंड्स इन पाकिस्तान, वंडरफुल फ्रेंड्स इन पाकिस्तान हु हैज हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग द प्रीवियस फेजेस ऑफ लाइफ. सो आई विल शेयर ईच एंड एवरी थिंग. सो अभी के लिए चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, और आई होपफुली आप लोग एंजॉय करेंगे. और ज़रूर इफ़ यू लाइक इट, ओनली इफ यू लाइक इट, डू शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड और योर ग्रुप्स और कम्युनिटीज. थैंक यू. फ्रेंड्स, दिस इज हैगोरोमो बजीज का ब्रीडिंग बॉक्स. तो आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस बॉक्स. ये एकदम बेसिक वुड से बना हुआ है, जो हम बंगाली में बोलते हैं शीरीश काट, उससे बना हुआ है ये बॉक्स. और इस बॉक्स का डायमेंशन है 10 इंच हाइट, विथ में 7 इंच, और इस साइड 7 इंच, ब्रेथ में भी 7 इंच. इस बॉक्स का दोनों इंस्पेक्शन डोर्स है, ठीक है, दोनों इंस्पेक्शन डोर्स है, इस साइड में भी और इस साइड में भी. और सामने एक पर्च है जो हम लगाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे. मतलब जो पेरेंट्स बर्ड है, द फीमेल विल इंक्यूबेट द एग्स एंड द मेल्स विल कम एंड फीड द फीमेल सिटिंग इन दिस पर्च. ओके, तो ये है इस बॉक्स का डिटेल्स. और अंदर अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो अंदर एक डिप्रेशन टाइप किया हुआ है फॉर लेइंग ऑफ एग्स, और एक छोटा लैडर टाइप भी है. तो एकदम ही प्रोफेशनल बॉक्स जैसा है और बहुत अच्छा क्वालिटी का बना. ओके व्यूअर्स, ये जो बॉक्स आप सामने देख रहे हो ये है लव बर्ड्स का ब्रीडिंग बॉक्स. ये भी एकदम जो आपको पहले दिखाया था उस जैसा ही है, ठीक है. मगर यहाँ पर एक आपको क्लैम्प दिखा होगा. तो यहाँ पर ऐसा क्यों बना हुआ है? क्योंकि लव बर्ड्स बहुत ही शरारती है और वो बहुत काटने का कोशिश करता है. तो जो भी आप नॉर्मल कोई थिन टाइप का पर्च लगाओगे तो वो काट देगा, ठीक है. तो इसीलिए ये जो पर्च है आपको दिखाएगा, तो ये है इस ब्रीडिंग बॉक्स का एक खास चीज़. तो इसको ना वो फेंक पाएगा आराम से, और वो यहाँ पर रहेगा. सिमिलरली यहाँ पर भी एक डिप्रेशन होल बना हुआ है अंदर, और एक लैडर लगा हुआ है जैसे कि आप देखे थे लास्ट बॉक्स में. तो ये है जो हम लोग इंस्टॉल करने जाएंगे. ओके फ्रेंड्स, सो हम पहले जो करेंगे वो है कि कहाँ पर नेल्स लगाना है.
तो वो एक बार देखना होगा, क्योंकि ये जो केजेस आप लोग देख रहे हो ये इम्पोर्टेड केजेस है और इसमें सब आउटसाइड ब्रीडिंग बॉक्स लगता है। ऐसा देख सकते हैं इस साइड, ये देखिए ये ब्रीडिंग डोर है, ठीक है। तो बॉक्सेस भी बाहर से लगेगा, तो हम लोग यहाँ से हैंग करेंगे चीज, तो जो मेजरमेंट है हमको लेना होगा कि कहाँ पर होगा। तो ये जब लगेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, अंदर से एक पर्च भी लगेगा और बर्ड वहाँ से अंदर जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि बहुत अच्छे से हम लोग इंस्पेक्शन कर सकते हैं, बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके, तो द बर्ड गेट्स अ लॉट ऑफ प्राइवेसी इन दिस, कि हम लोग को बार बार बॉक्स को बाहर नहीं लाना पड़ता है फिक्स चेक करने में, ठीक है। तो हम लोग अगर ये चीज़ देखेंगे, ये मेजरमेंट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पर एक पिन और यहाँ पर एक पिन, तो हम यहाँ पर जो नेल्स लगाएंगे फिर हम चेक करेंगे। तो उससे पहले भी कुछ चीज़ है जो अंदर हम मेडिटेशन करेंगे, मेडिसिन देंगे, हम सब दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये मेरा भाई है शुभो, जो हमेशा मुझे हेल्प करता है बहुत, और यही आप लोगों को दिखाएगा कि नेस्ट बॉक्स कैसे फिट करते हैं, मेडिकेशन करते हैं बिफोर वी पुट इन द बॉक्सेस। ओके, तो शुभो लेट्स स्टार्ट। तो ये दोनों नेल्स हम यूज़ करेंगे, जो बांग्ला में हम लोग बोलते हैं पेरेक, तो ये 1.5 इंच का नेल्स है, ठीक है। तो 1.5 इंच में हमारा काम हो जाएगा, और अभी दिखाएगा शुभो कि कैसे हम लोग लगाते हैं। तो ये एकदम बेसिक चीज़ है, सिर्फ मेजरमेंट जो किया है वो परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो बाद में इश्यूज आएगा, आप लोग प्रॉपरली हैंग नहीं कर पाओगे चीज़। ये नेल अगर आप स्टेनलेस स्टील का यूज़ करेंगे तो और भी बढ़िया होगा, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और परमानेंट चीज़ पे आप लोग फोकस कर पाए। और ये सब काम करने के बाद आप लोग हमेशा सेफ्टी मेजर्स फॉलो कीजिएगा कि आप लोग कभी भी हर्ट ना हो काम करते करते। और अभी हम लोग ये नेल को बेंड करेंगे, और अभी हम लोग दिखा रहे हैं कि नेल को कैसे बेंड करते हैं, कैसे प्रॉपरली बेंड होता है, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा हैंगिंग सिस्टम इज डिपेंडेंट। तो आप लोग ये काम एकदम परफेक्टली कीजिए और समय लेकर कीजिएगा। जैसे देख रहे हो कि दोनों नेल्स ये एकदम परफेक्टली बैठ गया है, थोड़ा सा 19-20 ज़रूर हुआ है, लेकिन हम लोग देख लेंगे कि अगर हैंगिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हम फिर से ये नेल खोल कर फिर से लगा देंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे अंदर नेस्टिंग डालता है, क्या नेस्टिंग हम डाल रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि नेस्टिंग देने से पहले जो चीज़ चाहिए, तो मैं आपको शॉर्ट में बोल देता हूँ फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो चीज़ आपको चाहिए वो है टर्मरिक पाउडर या हलुद गुड़ो जिसको हम बंगाली में बोलते हैं, उसके साथ चाहिए नीम लीव्स, ठीक है, नीम पत्ता, और एक नीम पाउडर भी मिलता है तो वो भी आप दे सकते हैं, और उसके साथ ये एक एंट पाउडर है जो एकदम क्लिनिकली टेस्टेड है बॉक्स में देने से पहले, और जो और अगर ये आपको नहीं मिलेगा तो आप ये यूज़ करते कर सकते हैं, इसको हम बंगाली में बोलते हैं लक्ष्मण रेखा, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी मिल जाएगा किसी भी नॉर्मल दशकर्मा स्टोर। तो ये हम पहले देंगे, और जो आप मैंने बोला टर्मरिक पाउडर और नीम पत्ता बॉक्स में पहले डालेंगे, फिर हम डालेंगे नेस्टिंग मटेरियल। तो मैं नेस्टिंग मटेरियल के बारे में भी बोल देता हूँ, ये आपको मैं जो नेस्टिंग यूज़ करता हूँ वो इम्पोर्टेड नेस्टिंग मटेरियल है,
ये एक नेदरलैंड का कंपनी है क्लॉसपैन बोल के, तो आई एम प्रेजेंटली यूजिंग दिस। लास्ट ईयर मैं यूज़ किया था हॉलैंड का विटमोलन कंपनी, बहुत बढ़िया कंपनी है और आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ब्रीडिंग। आप लोग वो झाड़ू काट के भी दे सकते हैं, जो हम बंगाली में बोलते हैं खेजूर पाता का झाड़ू, तो वो भी आप लोग, वो बहुत बढ़िया है, मैंने भी बहुत यूज़ किया था। लेकिन लास्ट 2 साल से आई हैव शिफ्टेड टू नेस्टिंग मटेरियल, इम्पोर्टेड क्वालिटी, और ये बहुत ही बढ़िया है। दीज आर बेसिकली वुड शेविंग्स, ओके, दीज आर बेसिकली वुड शेविंग्स। ये एक पैकेट में आता है, ये 40 लीटर का एक पैक है। मेरा तो बहुत सारा बर्थडे इसीलिए बड़ा पैकेट लगता है, आप लोग छोटा पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली चीज़ है बेडिंग मटेरियल, मतलब हैमस्टर और रैबिट का बेडिंग मटेरियल, बट अभी एकदम मतलब परफेक्ट चीज़ होता है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। इसमें कुछ मेडिकल पाउडर भी मिक्स रहता है जिसमें बैक्टीरिया और फंगस ग्रो नहीं करता, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट दिस। लेकिन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, तो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। अभी देख सकते हैं अंदर का जो डिप्रेशन है, वहाँ पर बेसिकली फीमेल बर्ड जाके एग ले करता है। तो हम लोग पहले वो आपको जो दिखाया वो पाउडर इस्तेमाल करेंगे एकदम नीचे, ठीक है। इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे टर्मरिक पाउडर, फिर नीम पत्ता, और फिर उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे नेस्टिंग मटेरियल। तो हम लोग अच्छे से, जो एंट्स होता है ये बहुत ही मतलब हम जहाँ रहते हैं कोलकाता में, ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है और छोटे छोटे चिक्स को मार देते हैं, स्पेशली रेड एंट्स। तो आप लोगों को ज़रूर ये ख्याल रखना होगा। मुझे पता नहीं बिग पैरट्स में कैसे होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ज़रूर नेक्स्ट वीडियोस में, बट इसमें हम जो लवबर्ड्स में करते हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे हम लोग अंदर दे देंगे और इसके बाद जो आप मैंने बोला वो देंगे, और फिर नेस्टिंग मटेरियल होता है ये एकदम कंप्रेस्ड फॉर्मेट्स में रहता है, एकदम कंप्रेस्ड जैसे। तो हम लोग इसको पहले थोड़ा सा पैकेट को फाड़ेंगे और वहाँ से कुछ नेस्टिंग मटेरियल बाहर निकालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ये नेस्टिंग मटेरियल रहता है एकदम कंप्रेस्ड फॉर्मेट में, और हम लोगों को वो फिंगर्स लेकर अच्छे से रगड़ के ठीक करना होता है, और वो जब ठीक हो जाता है उसके बाद हम लोग ये चीज़ नेस्टिंग के अंदर देते हैं, जैसे कि अभी आप दिखाएंगे। ये देखिए, तो एकदम अच्छे से नेस्टिंग करना होता है। देखिए अंदर अभी कैसा लग रहा है, और वो पाउडर सब देने के बाद ही हम ये करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही सब एग्स रहेगा और यहाँ पर हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप लोग ध्यान से देखिए, और अंदर एकदम ड्राई होना चाहिए, कोई भी वेट चीज़ अंदर नहीं रहेगा। जो नीम पत्ता भी आप लोग जब देंगे अंदर, वो भी सूखा होना चाहिए। सो व्यूअर्स, एट लास्ट सब कंप्लीट हो चुका है और बहुत मेहनत लगा। एक्सटेंडेड थैंक यू टू शुभ एंड आत्री, बहुत हेल्प किया पूरा चीज़ करने में, बहुत समय लगा पूरा अंदर, जो जो मैं आपको बोला सब तो दिखा नहीं पाया क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। अभी शाम का 8 बजा हुआ है एंड मुझे जल्दी जल्दी लगाना है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा एग्स बाहर भी निकल गया। आप इधर आइए एक बार देखिए, ये सब अंडा बाहर भी निकल गया है, तो ये सब वेस्ट हो गया है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कर सकता, तो इसीलिए जल्दी लगाना होगा। तो आप लोग देख लीजिए बॉक्स का यहाँ पर 2 नेल लग गया है, और ये पूरा जो केज है ये एक बहुत सॉलिड हुक से जुड़ा हुआ है, ओके। तो ये कभी भी गिरेगा नहीं, तो पूरा सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस लेके ही हम ये काम कर रहे हैं। लाइट थोड़ा सा कम हो सकता है तो आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा। तो हम लगा रहे हैं, देख लीजिए पहला बॉक्स इंस्टॉल हो रहा है 2021-22 ब्रीडिंग सीजन का। আমি আলচি দুটো দিন একসাথে করেছিলাম।
ओके व्यूअर्स, अभी हम नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं और कल तो बहुत लेट हो गया था इसीलिए और कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो अभी हम देख रहे हैं कि सब बॉक्सेस एकदम सेट हो गया है जो आपको दिखाना था, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बर्ड्स आर ऑल्सो गोइंग इनसाइड। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतना जल्दी जल्दी बर्ड्स कैन मूव मोर और लेस रेडी। और ये ओवरव्यू है पूरा सेटअप। वो मेरा फ्लाइट केज है जो मैं और भी डिटेल्स में बाद में बहुत कुछ बोलूँगा। ये एक एक क्यूब का जो डायमेंशन है वो भी मैं सब कुछ एक और डिटेल में बोलूँगा। मेरे लिए जो टॉपिक है आज का बेसिक्स ऑफ ब्रीडिंग पार्ट वन, इसमें हम लोग देख रहे हैं बॉक्स सेटिंग जो जो रिक्वायर्ड चीज है लगता है और पुटिंग ऑफ अ बॉक्स। ये क्या एक ओवरव्यू है और ये स्लाइड पेज है। वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बर्ड मैंने रखा हुआ है और एकदम नीचे तक फ्लाइट केज। ये रूम का फ्लोर एरिया कुछ 200 स्क्वायर फीट के आसपास है, थोड़ा कम हो सकता है। सो मोर और लेस सब एकदम रेडी है और हम लोग प्रोग्रेस और धीरे धीरे बहुत कुछ बात करेंगे इस बारे में। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स एंड ऑडियंस, जो भी आप बोले। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था और हम लोग धीरे धीरे बहुत कुछ बताएंगे आप सब लोगों को। ओके बाय फ्रेंड्स, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।